देखिए, हम यहां पर जो कल की नोट्स जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, और इंग्लिश में है ये। टू ए फैंटास्टिक जर्नी एंड टू द रियलम ऑफ एंशिएंट प्रोफेसीज एंड Divine incarnations. Today we delve into the enigmatic word of the Kalki Avatar as foretold in the sacred Kalki Puran. For an inspiring tale of hope and the ultimate triumph of good over, मतलब वही बात लिखी हुई है इसमें, बुराई पर अच्छाई की जीत की, और the prophecy unveiled according to the Kalki Puran. The Kalki Avatar is the 10th and फाइनल इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के दसवें और आखिरी अवतार होंगे। हु इज बिलीव्ड टू डिसेंड अपॉन अर्थ ड्यूरिंग द कली युगा। देखिए यहां पर जो डिसेंड लिखा हुआ है ना, एक तो एसेंड होता है, एक डिसेंड होता है। एसेंड का मतलब आरोहण और डिसेंट का मतलब होता है अवरोहण, मतलब अवतरित सत्ता। जो परमात्मा है वो मनुष्य के शरीर में ही उतर आए, ये है डिसेंट का मतलब। डिसेंट अपॉन अर्थ ड्यूरिंग द कलियुगा, द एज ऑफ डार्कनेस एंड मॉरल decline. This divine being is destined to restore rightness and bring about a new era of peace and harmony. ये लिखा हुआ है, और अब the birth of Kalki legends has it that Kalki will be born to a virtuous family in the village of Shambhala. His birth will be accomplished by celestial signs and he will possess extraordinary qualities from a young age. As he grows, Kalki will exhibit unparalleled wisdom, compassion and a deep connection with the divine. ये लिखा हुआ है, भगवान या ईश्वर परमात्मा से गहरा नाता जो होता है, कनेक्शन जो होता है वो रहेगा, और एक unparalleled मतलब जिसकी कोई समानता ना हो, बुद्धिमानी होगी, और the divine mission, Kalki's primary mission is to eradicate evil and restore rightness on earth and with a celestial word, celestial sword, he will lead a righteous army to vanish the force of darkness and establish a golden age of peace and प्रोस्पेरिटी। देखिए यहां पर एक आर्मी की बात है, ठीक है, और पुराने जमाने में जैसे सेनाएं होती थी वैसे,
और अगर कल के अवतार एक धर्म गुरु हैं तो फिर उनके जो शिष्य हैं वही उनकी सेना है। अगर एक पॉलिटिशियन होते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं जो उनके वोट देते हैं या उनकी बात मानते हैं वही उनकी सेना है। तो अब क्योंकि समय बदल गया है और अब जो बड़े देश होते हैं उनके पास ही सेनाएं होती हैं। केवल पहले बहुत सारे राजा होते थे, हमारे देश में भी बहुत सारे राजा थे, सभी के पास सेनाएं थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब राज्यों के पास सेनाएं नहीं होती हैं। और तो यहां पर हम फॉलोअर्स को और उनके अनुयायियों को उनकी सेना मान सकते हैं। द बैटल ऑफ गुड एंड एविल एज द वर्ल्ड प्लंजेस डीपर इनटू चाओस एंड मॉरल डिके कल्कि विल राइज द कंफ्रंट द मैलेवोलेंट फोर्सेस दैट थिएटन ह्यूमैनिटी विद हिज अनवेविंग determination and divine powers. He will engage in a fierce battle against the forces of evil, ensuring their ultimate defeat. देखिए, इस संसार में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब negative forces के कारण होती हैं। तो जितने भी युद्ध होते हैं वो भी negative forces के कारण होते हैं। जी हाँ, ये शक्तियों की क्रीड़ा होती है इस संसार में। और फिर उन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कैसे साइंटिस्ट लग जाते हैं, अपने आविष्कारों के द्वारा उनको हरा देते हैं। तो बीमारियों को भी हरा देते हैं और दुश्मनों को भी हरा देते हैं। और ये काम कौन करता है? सैनिक तो लड़ते हैं, पर वास्तव में जो नए हथियारों का जो आविष्कार होता है, जो नई दवाओं का आविष्कार होता है, वो तो ऋषि मुनि ही करते हैं ना, साइंटिस्ट करते हैं। आजकल साइंटिस्ट कहते हैं उनको, पहले उनको ऋषि मुनि कहा जाता था जो अन्वेषण करते थे। और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है इस प्रकार से, और पूरी मानवता की रक्षा होती है। द ट्रायंफ ऑफ गुडनेस इन द क्लाइमेटिक बैटल कल्कि विल इमर्ज विक्टोरियस वैनिशिंग एविल एंड रिस्टोरिंग राइटनेस टू द वर्ल्ड। हिज डिवाइन प्रेजेंस विल इंस्पायर ह्यूमैनिटी टू एम्ब्रेस लव compassion and unity leading to a harmonious coexistence among all beings. ये बात है भगवान के लिए, अवतार के लिए ये बात है। बुराई पर अच्छाई की जीत, और वो विभिन्न प्रकार से हो सकती है। हर एक क्षेत्र में, और ये जो संघर्ष है वो हमेशा चलता ही रहता है प्रकृति में, आपने देखा होगा। द न्यू इरा डाउन्स विद द डिफीट ऑफ एविल, ए न्यू इरा विल डाउन अपॉन अर्थ। Kalki will establish a just and equitable society where peace, prosperity and spiritual enlightenment will flourish. The world will witness an unprecedented era of harmony and bliss. So, dekhiye, ye
परिवर्तन जो है वो आएंगे, इनकी बात हो रही है। और ये बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी पूरी तरीके से ये जो कार्य है वो प्रकृति अपने आप ये परिवर्तन लाएगी। द अवेटेड अराइवल, व्हाइल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कल्कि'स अराइवल रिमेंस ए मिस्ट्री, द प्रोफेसीज अश्योर अस दैट ही विल डिसेंड अपॉन अर्थ व्हेन द वर्ल्ड इज इन डायर नीड टू सॉल्वेशन। अंटिल देन इट इज अवर ड्यूटी टू कल्टिवेट वर्ट्यूज, स्प्रेड लव एंड स्ट्राइव फॉर ए बेटर वर्ल्ड। एम्ब्रेसिंग होप, द स्टोरी ऑफ द कल्कि अवतार सर्व्स एज ए बिकम ऑफ होप, रिमाइंडिंग अस दैट इवन इन द डार्कनेस ऑफ टाइम्स गुडनेस एंड राइटनेस विल प्रिवेल। लेट अस नर्चर अवर इनर डिवाइनिटी, फॉर इट इज थ्रू अवर कलेक्टिव एफर्ट दैट वी कैन क्रिएट ए वर्ल्ड वर्थी ऑफ द कल्कि अवतार्स अराइवल। और भगवान के लिए जो सही भाव है मन का वो रखना होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। एम्बार्क ऑन ए कॉम्पिटिटिव जर्नी, एम्बार्क ऑन ए कैप्टिवेटिंग जर्नी इन टू द मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ द कल्कि अवतार एज फोरटोल्ड इन द एंशियंट कल्किपुर्णा कल्कि पुराण। डिस्कवर द डिवाइन मिशन, द एपिक बैटल ऑफ गुड एंड एविल एंड द अल्टीमेट ट्रायंफ ऑफ राइटनेस अनवील द अवेटेड अराइवल ऑफ द सेवियर हु विल यूशर इन ए न्यू इरा ऑफ पीस एंड Harmony, join। तो देखिए, मैंने आज आपको जो इंग्लिश में लिखा है और मैंने जो कुछ भी अब तक हिंदी में कहा उसको मैं कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश में भी कहा जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश समझते हैं, तो ये तरीका है जो मेरी बात जो इंग्लिश जानते हैं या फिर साउथ इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं उन लोगों तक भी पहुंचे, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।